तो सभी आंखें बंद, ध्यानस्थ, कमर व गर्दन सीधी हो रखे, पूर्ण शांति, कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। मन को पूरा शांत कर दीजिए, हल्का छोड़ दीजिए, पूरे शरीर को शिथिल, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। पूरा ध्यान आती जाती श्वास पे लगा दें। श्वास आ रही है तो जाने श्वास आ रही है। और श्वास जा रही है तो जाने श्वास जा रही है। पूरी एकाग्रता रखें, कंप्लीट फोकस, कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ। मन कहीं भटक गया हो, the mind has wandered somewhere, bring it back with utmost love and keep your concentration on the breath. श्वास सहज स्वाभाविक नेचुरल श्वास पे ही काम करना। जितना जितना हमारा मन शांत होते जाएगा उतना उतना मेरे श्वास की गति भी सहज धीमी होते चले जाएगी। नरक गति के जीव निरंतर लोहे की धमनियों जैसे निरंतर श्वासोश्वास लेते ही रहते हैं। और देव गति का जब वर्णन आता है, जहां सुख में है जीव, जहां पांच अनुत्तर वैमानिक की बात आती है, तो कहते हैं कि बहुत पक्षों में, मतलब बहुत दिनों में एक बार श्वास लेने की उनको जरूरत। उसका इन्फ्रेंस सीधा है, ये ध्यान की कलाओं, ध्यान के शिविरों में भी आप अनुभव कर पाएंगे कि जितना मेरा कर्म का संस्कार हल्का पड़ते चले जाएगा, साधक उस स्टेज पे भी आ जाता है जहां एक मिनट में उसको एक श्वास लेने की जरूरत। तो इसलिए विचारों को शांत करें, सहज करें, बहुत सुंदर माध्यम श्वासोश्वास का अवलंबन लेके ध्यान में गहराई में पहुंचने का प्रयास करें
और भीतर की करुणा भावना को विकसित करने का प्रयास करें। भावनाएं सब आंतरिक है, बाहर ये नहीं है। ये बाहर से बनावटी भावना नहीं आ सकती। दुखी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये प्रेम स्वाभाविक आता है। ये हृदय की कोमल वृत्तियां है जो स्वतः बाहर निकलती है एक सम्यक पुरुष की। वो बाहर स्वतः जो भावना आएगी वो ही करुणा भावना है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं हो सकता, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। दीज आर प्योर भावना और वो ही मेरे कर्मों की निर्जरा कराने वाली। तो इसलिए करुणा भावना से ओतप्रोत हो जाए। कहां हमारा उच्च धर्म है, सिर्फ पंचेंद्रिय काय पे नहीं रहे हम एकेंद्रिय पे भी रहते हैं। जो जीव दिखते नहीं है उनके लिए भी भीतर से करुणा की भावना से एक श्रावक और एक साधक आगे बढ़ता है। मेरे कारण किसी जीव को दुख नहीं हो, उसकी हिंसा ना हो, ऐसे शुद्ध मनोभाव से मेरा जीवन चले, तब समझना कि सम्यक की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं। के आनंद के धन के मनोहर धाम हो, नर नाथ से सुर नाथ से पूजित चरण गत का सर्वज्ञ हो, सर्वोच्च हो, सबसे सदा संसार में प्रज्ञा कला के सिंधु हो, आह दर्श हो आचार में। खूब समता को पुष्ट करें। वो प्रज्ञा सिंधु केवली भगवंतों की शरण में है। हम उन महान उपकारी तीर्थंकर प्रभु के शासन में है। हम क्या करुणा की मूर्ति होंगे वो। तिर्यंश उनको काट रहा है, सर्प उनको काट रहा है, फिर भी भगवान की दया भावना से ओतप्रोत रह रहे हैं। करुणा के लहर में है वो। ऐसे शुद्ध अध्यवसाय महापुरुष
आपके शासन में हम जिन वाणी सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है, साधना में आगे बढ़ने का, संकित को प्राप्त करने का, समता भावना को पुष्ट करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। जब कुछ क्षणों के लिए आज करुणा भावना को ही बढ़ाएंगे, आज करुणा से अपने हृदय को भर दें, करुणा के आंसू बताई दिया पहले ही, आर्त ध्यान के आंसू अच्छे नहीं है, पर करुणा के, पश्चाताप के, दुखी जनों को देख आंसू आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, कर्मों की निर्जरा कराने वाला ही स्थान है। अगर नहीं आ रहे तो खुद को क्वेश्चन करें, इतना कठोर हो गया है मेरा दिल, भावना भाएं उन दुखी जनों के चेहरे, उन कितने ही मूक प्राणियों के जिनकी हिंसा हो रही है, कितने ऐसे गरीब दीन दुखी हमारे मानव जाति में भी तो हैं, एनिमल्स तो दूर की बात है, ह्यूमंस भी कितने ही हैं जिनको एक रोटी भी नसीब नहीं होती पूरे दिन में। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमारी पुण्यवानी बहुत प्रबल है अभी, उनके लिए करुणा भावना है हृदय में कि मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए, कहीं मुझे मदद का, कहीं उनको कुछ देने का अवसर आया तो मैं पीछे तो नहीं हट रहा हूं ना, और क्या मैं आगे होके कुछ एफर्ट्स ले रहा हूं उनके जीवन को बेटर बनाने के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो उनके लिए सोचें, हम पंचेंद्रिय काय का तो सोचें, एक इंद्रिय की तो अभी हमारी दृष्टि ही दूर की बात है, पहले पंचेंद्रिय पे रखें उन करुणा भावना, भी भले ही वर्तमान में प्रेजेंटली नहीं जाके कर पा रहे, पर यहां बैठे बैठे मन पुण्य तो कमा ही सकते हैं, मन से करुणा की भावना तो भाई सकते हैं कि वह दिन धन्य होगा कि मैं जाऊंगा और सेवा करूंगा, इतनी मेरे में प्राण ऊर्जा हे नाथ मेरे में भर ही देना कि मैं जाके उनकी सेवा कर पाऊं, मैं साधु संतों की सेवा कर पाऊं, मैं मेरे स्वधर्मी भाई बहनों की सेवा कर पाऊं, और मैं पूरे जगत के जितने मानव है उनके कुछ काम आ पाऊं, कुछ तो सेवा के मार्ग में आगे बढ़ो, निस्वार्थ सेवा के भाव में आगे बढ़ो, जहां कोई स्वार्थ निहित नहीं है, कुछ रिटर्न में चाहिए नहीं है, ऐसी भावना, ऐसी हृदय में आज करुणा भावना भर दें, करना ही है, इसके लिए ही मेरा जन्म हुआ है, ये धर्म का मार्ग मिला ही इसलिए है कि मैं कुछ सेवा कर पाऊं, काया का सदुपयोग सेवा में, इस शरीर का पुद्गल का जो सदुपयोग होगा वो सेवा में ही होगा, और वो निस्वार्थ सेवा में ही पॉसिबल है, इसका सदुपयोग है, बाकी जो भी आप कर रहे हैं वो दुरुपयोग ही दुरुपयोग है। तो हे नाथ हे भगवान, ऐसा अवसर मुझे जरूर प्राप्त करना, और ऐसी अवसर की मैं खुद खोज भी करूंगा, और फिर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करूंगा, ऐसी मनोभावना दृढ़ करें, साधु संतों की कभी सेवा करने का अवसर मिले तो बात ही क्या है, क्या निराली बात हो जाएगी, महान निर्जरा की बात हो जाएगी। ऐसा अवसर मिलने पर कभी मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे, दो कदम मैं आगे ही बढ़ूंगा और दो लोगों को उसमें जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, ऐसी करुणा की भावना हृदय में भाए, हृदय में भाने से नहीं डरे अभी, हृदय में तो अपनी भावनाओं को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएं, अध्यवसाय को अभी इतने चढ़ा दें कि गुणस्थान की श्रेणियां में आगे बढ़ पाऊं,
आज बैठे बैठे यहाँ भी हम हमारी भावना को आगे बढ़ा सकते हैं और अनंत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे भावनाओं से पीछे ना हटे। अवसर मिलेगा जब मिलेगा करने का, पर आज तो मैं इतनी महान निर्जरा कर लूं भावना। एक मिनट स्वयं से अब करें, खुद की अध्यवसाय बढ़ाएं, अनुप्रेक्षा करें खुद की, मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या करने वाला हूं। करुणा के क्षेत्र मेरे अर्जित पुण्य में सब हो भागीता, दुख विघटे प्रकटे मंगलमय, दर्शन ज्ञान चार, वंदन बारंबार, वंदन बारंबार, नमो अरिहंताणम। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, कल्याण हो, सब सुखी रहे, सर्वत्र शांति शांति शांति। सभी को सादर जय जिनेन्द्र और बहुत बहुत क्षमा याचना। अगर शास्त्र विरोध या जिन रूपी प्ररूपना कुछ गलत करने में आई हूं तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा याचना।